हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं पाई कंपटीशन। तो आज मैं सोशल साइंस का थर्ड सीरीज, मतलब कि वीडियो और कंप्लीट करवा दी हूँ और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आप देखिए सोशल साइंस का जो चार जनवरी 2022 को पूछा गया था उसका मैं क्वेश्चन आज आपको कवर कराऊंगी। तो आप भी मन लगा कर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन समझे रहेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाइड हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर रट्टाफिकेशन करने पे हैं तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार, चौथा दशरथ मौर्य। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, अशोक। चौथा चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। ऑप्शन टू के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? सन्निकट तिथियाँ, दूसरा सुनिश्चित तिथियाँ, तीसरा स्थिर तिथियाँ, चौथा कोई तिथि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन वन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्निकट तिथियाँ। ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सा व्यक्तित्व सातवाहन के लिए सही है? पहला सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे। दूसरा सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। तीसरा सातवाहन शासक ने अपनी सेना उत्तरी समुद्री तट पर भेजी। चौथा शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। तो सातवाहन काल जो था वो स्त्री सत्तात्मक था। यहाँ जैसे कि पितृ सत्तात्मक होता है, जहाँ पुरुषों का समाज होता, पुरुषों का वर्चस्व होता, वैसे सातवाहन शासक में स्त्रियों का वर्चस्व था, उसकी हर बात को मानी जाती थी सातवाहन काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन टू, सातवाहन शासक दक्षिण पथ के अधिपत्य के रूप में जाने जाते थे, दक्षिण पथ। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर के बारे में दिए गए ए बी सी व्यक्तित्व पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। पहला, मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। बी, मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वन, ए बी सी तीनों सही है, मंदिर वन टू एंड थ्री ऑल आर ट्रू, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से किन कारणों से भिन्न था? पहला, इनमें बुद्धि की उपस्थिति संकेत द्वारा दर्शाई गई है। दूसरा, इसमें बौद्धिस्त एकांतवास में रहते थे। तीसरा, इसमें बुद्धि की प्रतिमा बनाई गई थी। चौथा, बौद्धित्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए संसारिक परिवेश में रम गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थ्री के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान करें। गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक किया जाता था। तो गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रणाली थी, ठीक है। तो ये जो था हमारा अकबर के राजस्व मंत्री जिनका नाम टोडरमल था, वो 1570 से 71 के बीच में, तो 1570 से 71 के बीच में कृषि का जितना भी पैदावार होता था उसका सर्वेक्षण किया और उन आंकड़ा के आधार पर प्रत्येक साल नगद के रूप में एक राजस्व वसूला जाता था। ये जो था राजस्व क्या किया जाता था, फसल का पैदावार जो होता था
उस पर अपना सर्वेक्षण किया जाता था और उसके बाद राजस्व मंडल में बांट दिया जाता था कि आप इस क्षेत्र को देखिएगा, आप इस क्षेत्र को देखिएगा और आप इस क्षेत्र को देखिएगा। वही जो था हमारा जब्त व्यवस्था कहलाता था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो था ऑप्शन फोर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये जो था गुजरात और बंगाल में तो संभव ही नहीं था कि जब्त व्यवस्था हो, तो ये जब्त व्यवस्था गुजरात और बंगाल में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर का एक पवित्र स्थान, एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा हो सके, एक पवित्र स्थल, तीसरा स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, चौथा वह पथ जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी होती थी। तो इसका अगला को इसका ऑप्शन होगा एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, मंडप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प की पहचान करिए। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों का सकारात्मक असर डाला। लोगों ने मुसलमानों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, शंकर, कृष्ण। तो अलवर जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे, ये विष्णु भगवान को मानते थे और उनकी आराधना करते थे। ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हरिदास ने, ज्योतिदास ने, घसीदास ने, सूरदास ने। तो सतनामी आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है वो कौन करते हैं? घासीदास करते हैं। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिवेशिक काल में नए शहर बने, नई कस्बे विकसित हुए, इसके परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और उच्च जाति के भूस्वामी को ही आकर्षित कर पाए। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएँ और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने के लिए रास्ता अपनाया। तो औपनिवेशिक काल में जो शहर बना, जो कस्बा बना, उसका क्या परिणाम हुआ? तो उसका जो परिणाम होता है वो केवल शीशा ही होता है। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल हुए? ए, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपना कर, दूसरा भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, तीसरा अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, चौथा लोगों की आवश्यकता समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दा को उठा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? अंग्रेज संस्था तथा वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा क्रांतिकारी हिंसा तथा बिल का प्रयोग, तीसरा अंग्रेज के विरुद्ध प्रदर्शन, याचिका दायर करते, लेख लिखते। तो क्या करते हैं चरमपंथी नेता होते तो आप क्या करते हैं, आप बताइए। तो क्रांतिकारी हिंसा का बल प्रयोग और ये अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिका दायर करते था लेख लिखते। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर बोलने के लिए बुलवा दिया गया, पहला क्योंकि वे विदेश शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे, दूसरा वह केवल एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी, तीसरा क्योंकि वह स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, चौथा स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का संरक्षण भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र एवं महासागर को जोड़ता है क्या कहलाता है? जल संधि, स्थल संधि, नहर, खाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन हो जाएगा, जल संधि, ऑप्शन वन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए तथा बी को पढ़िए और इसके आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला, भारत में 82 से 82 डिग्री से 30 मिनट पश्चिम देशांतर को मानक यमोत्तर माना जाता है। कथन 82 डिग्री से 30 टाइम पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन टू, करेक्ट हो जाएगा। दोनों जो है सो सही बात है। ए सही है और बी गलत है, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार करते हो उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। बी कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सी भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री से 25 पूर्व अक्षांश के बीच है। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, दोनों सही है। बल्कि ये जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा लगभग देश के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन सी जो है वो गलत है, ऑप्शन टू हमारा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचना के आधार पर अपना ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप, पहला, आराम से ग्लोब पर स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं। दूसरा, पूर्व या पश्चिम अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होती है। तीसरा, उत्तर तथा पश्चिम अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होती है। चौथा, उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें था सही विकल्प का चयन करिए। रेगिस्तान में रात गर्म होता है, रात और चट्टान गर्म उत्सर्जित करते हैं और तापमान बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, ए सही है, ए गलत है और ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए। हिमालय क्षेत्र, जंगल बकरी और हिम तेंदुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़, सी गिर वन, एशियाई शेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान करिए। पहला है, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। दूसरा, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। तो सही बात है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है आपतन ही कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से धूब्र की ओर घटती है। सही बात है, आपतन की रेखा भूमध्य रेखा से धूब्र की ओर घटती है, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से धूब्र की ओर घटती है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से
66 का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांश पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा से बहुत प्रभावित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसा स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूलित मानवीय बस्ती के लिए आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन कौन सा? अनुकूल वातावरण, जलवायु होना चाहिए, जल उपलब्ध होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। तो ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करें। मृदा का निर्माण जैव पदार्थ, खनिज तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली अपेक्षित चट्टानों से होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा वन, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपने कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रदाय पढ़ा रही। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में किसका प्रयोग करना चाहिए? ए उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी उस शहर का क्षेत्रफल, सी देश का जनसंख्या पैरामीटर। तो कौन सा सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुमई मृदा में उगाई जा सकती है? मिलेट, मक्का, जूट, कपास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन होगा, मिलेट। फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है, मिलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थान ग्रुप को गाते हैं? लद्दाख, बड़गाम, कुपवाड़ा, कारगिल। तो बताइए कहाँ के लोग जो हैं सो उसको गाते हैं। तो ऑप्शन वन हो जाएगा, लद्दाख के लोग। अगला देखते हैं हम। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प इस छवि को तोड़ते हैं। सही विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन वन, लड़के उधर्मी और शरारती हैं। लड़के शरारती रूप से मजबूत होते हैं। लड़के खेलने में अच्छे होते हैं। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। ये इस छवि को तोड़ती। रूढ़िवादी में क्या होता है? लड़का कभी रो नहीं सकता, इस बात को मान्यता दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है? लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते, जबकि ये लड़की पे लागू होता है। तो ये इसका धारणा को तोड़ रहा है। तो ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायती समिति, जिला परिषद। तो पंचायती राज से संबंधित कौन है? तो पंचायती राज से हमारा जो संबंधित है वो है पहला संबंधित है, तीसरा संबंधित है और चौथा संबंधित है पंचायती राज से। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है थ्री हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा का कोई भी विधान और कानून विधायक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती है। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक है कि उसे राज्यसभा की भी सहमति मिल चुकी है।
तो ये जो स्टेटमेंट है, राज सभा मुक्त देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद राज्य में कोई भी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती है, गलत बात है ये। तो ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास जब रुमाल तौलिया बनाता है तब वह केवल डैश से गुजरता है, थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, मॉल, बाजारों की श्रृंखला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, बाजारों की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलमती रामाज्ञा के धान के खेत में काम करती और प्रतिदिन 10 रुपये कमाती है। राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है, इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? तो फूलमती रामाज्ञा के धान के खेत में काम करती हो और प्रतिदिन 40 रुपया कमाती है, इसके पास, फूलमती के पास अपना घर नहीं है, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। तो फूलमती के पास जो है सो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस विचार सहन नहीं कर सकती कि व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता, या जो देश अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है ये पूछा जा रहा है, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये है हमारा 2, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पितृतात्मक समाज वह होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है, महिला सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, महिलाओं के पास पुरुषों की तरह कपड़े पहनने के विकल्प होते हैं। तो सत्तात्मक समाज क्या होता है? जहां पे पुरुष प्रधान सोसाइटी होता है जिसमें घर का एक बड़ा बुजुर्ग, वो उसके अंदर घर के सारे लोग होते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, तो वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3, महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया जाता है, इसमें महिला को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वास्थ्य परिवहन का अधिकार निहित है? जीने का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पर्यावरण का अधिकार निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका जो हो जाएगा इसका जो होगा जीने का अधिकार है, निम्नलिखित मूल अधिकार के पर्यावरण पर निहित है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? तलाक का मुकदमा दायर करना, बच्चों की परीक्षा का दबाव करना, जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, दहेज के लिए औरत को तंग करना। तो दीवानी जो होता है क्या होता है? वो हमारा होता है दहेज के लिए औरतों को तंग करना, दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है, तलाक का मुद्दा दायर करना, बच्चों की परीक्षा का दावा करना, ज़मीन की बिक्री संबंधित विवाद, ये सब जो है दीवानी दायरे में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दहेज के लिए औरत को तंग करना, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? ए है अनुच्छेद 15, B है अनुच्छेद 17। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा?
ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से संदर्भ उसकी कौन से प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताएगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। मैं एकल और स्वतंत्रता चाहती हूँ, अतः झूठ वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊँगी। मुझे घर चाहिए, इसलिए झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊँगी। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। समान रूप से खुद को वैवाहिक बताना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बताएगा, तो मैं झूठ वैवाहिक स्थिति बताऊँगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊँगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्र मानचित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के का दो पहलू है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो अलग अलग विषय हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक विज्ञान का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र में रचनात्मक के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? संदर्भ पुस्तक का उपयोग करके शिक्षण करना, पारंपरिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाना, कक्षा वाद विवाद एवं ध्रुवीय विधि का उपयोग करना, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम करने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हो। इससे निम्न में से किस संकल्पना को समझने के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पहला, जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न। दूसरा, क्षेत्रीय साझेदारी। तीसरा, स्थानिक अंतःक्रिया। चौथा, केंद्रीय स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न समानता सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहद क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए, कानून के नियम से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर बताएं। बी, दो सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सी, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानून के द्वारा प्राप्त दो संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। भारत में कानून के नियम का समानता से पालन नहीं किया जाता, क्या इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत में कानून के नियम का समानता पालन नहीं किया जाता है, इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की कक्षा में समानता निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहद क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ए, क्या होगा यदि भारत के जंगल से बाघ गायब हो जाए? बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता का वर्णन कीजिए। डी, क्या होगा यदि 3 वर्ष के लिए मानसून कमजोर तथा छीन हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन
ऑप्शन जो है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 चित्र को देखती है तथा वहाँ के एक स्थान वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। ऑप्शन 1 अध्यापिका गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को विकसित की प्रक्रिया समझाना और आत्मघात करना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में कथन पर विचार करें। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निष्कासित करते समय परिभाषा देने से बचता है। सामाजिक विज्ञान में समता कोई उत्तर पूर्णता सही होता है यद्यपि एक गलत उत्तर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन 1 दोनों सही है और दोनों व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है। छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना, छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करना और सत्य मानने के लिए कहना, छात्रों को परिस्थिति के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता देना, छात्र में प्रश्न कौशल का विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा छात्र को दी गई सूचना को स्वीकार करना और सत्य मानने के लिए कहना। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हास्य होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। निम्नलिखित में किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। डेटा आंकड़े द्वारा इकट्ठित करना, कविता कहानी और घटना वर्णन केस स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इन सभी चीज़ों को वही सभी चारों उपकरणों को अपनाना चाहिए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जाता है। ए सूचना स्रोत की विश्वसनीय ढूंढना, दूसरा संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, तीसरा पाठ पुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, चौथा प्रमाण के आधार पर परिणाम निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें बच्चे को डाउट हो, उसका दिमाग डेवलप हो, तो वो हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 पहला सही है विश्वसनीयता को ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष परिणाम निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। पहला विषय वस्तु जानकारी आधारित होनी चाहिए, दूसरा विशिष्ट उदाहरण का प्रयोग होना चाहिए, तीसरा अवधारणात्मक स्मरण पर बल होना चाहिए, इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए क्या लागू होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसे विज्ञान की खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावना और रुचि को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में कौन सा है। व्याख्यान विधि, चर्चा, प्रदर्शन, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है। बाबर, तैमूरिद सिंह एंड मुगल एम्पायर, द गेट मुगल एंड द एयर इंडिया, बाबरनामा, मेमोरियल्स ऑफ बाबर, चार द गेट मुगल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्राथमिक स्रोत है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होना चाहिए तो ये जो हमारा प्राथमिक स्रोत है वो है
बाबरनामा, मेमोरियल्स ऑफ बाबर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक परियोजना के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि ए विषय को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें, बी प्रस्तुतिकरण देखकर छात्र को अंक दें, सी समूह की प्रगति का मूल्यांकन करें, समूह को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। तो सामूहिक परियोजना के द्वारा शिक्षक क्या क्या भूमिका होती है? जब समूह में किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए बच्चे को दिया जाता है तो उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये तो समूह की प्रगति का मूल्यांकन करें कि वो जो कार्य दिया है वो सही से कर रहा है कि नहीं, और के दौरान सुसाध्य बनाए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात ही गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। अपने अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें तथा साथ ही बताएं कि किस प्रकार का भोजन क्रिया तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्र की किस योग्यता को मूल्यांकन करता है? तुलनात्मक, व्याख्यात्मक, कल्पनशीलता, तार्किकता। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है? तो ये जो हमारा कर रहा है वो ऑप्शन कल्पना कर रहा है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो ये कल्पना कर रहा है। ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, खुली पुस्तक परीक्षा बोध का श्रेष्ठ मापक है। दूसरा, पाठ के लिए किए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सत्र शिक्षण में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मापदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपयुक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक परिक्रमा को निरूपित करता है? पहला, याद करने की प्रक्रिया, प्रयोग करने की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, इसका मूल्यांकन की प्रक्रिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सुबद्धित करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित है? ए, साक्षरार्थी प्रतिपुष्टि प्रदान करना, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, बच्चों को भाव आघात हेतु चिंता मुक्त बनाने तथा बच्चे को उनके विचार स्वतंत्र से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, सी भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना, आकलन करना कि हद तक पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षा और अधिगम परिणाम उपजित किए जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन 2, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? आपको ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर चार पंक्तियों में लिखें कि इस परिस्थितियों को आप कैसे अनुभव करते हैं? तो अभिभावक की तुलना एवं विपरीतता, परिस्थितियों का अनुमान लगाना और निष्कर्षण निकालना, समझना और तर्क करना, कल्पना और सृजनात्मक कौशल। तो परिस्थिति के अनुसार अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका 4/1/2022 को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका सोशल साइंस का 30 क्वेश्चन ने आपका कितना हो गया, 60 क्वेश्चन आपका पूरा होता है। धन्यवाद।